आयन के खिलाफ युद्ध पर आर्टिकल 6 इन जनरलों पे लगाना चाहिए ना। एक ही जनरल को आप लटकाओ, पांसी दो मैदान चौक बाचा खान चौक पे लटकाओ, फिर देखता हूं किसमें हिम्मत होगी कि वो आइंदा पार्लियामेंट के बालादस्ती नहीं मानेंगे। जनरल आसिम मुनीर साहब आप पे भी आर्टिकल 6 होगा, DGSBR साहब आप पे भी होगा, SI के चीफ आप पे भी होगा। ये आजादी आपको है जब आप अपने मुल्क में, अपने वतन पे, अपने धरती पे, अपनी मिट्टी पे आजादी राय नहीं रख सकते तो क्या मुकाबला करेंगे। चौकीदार को चौकीदार ही रहना पड़ेगा, घर के मालिक को मालिक रहना पड़ेगा, वो फैसले करेंगे। कानून ये जर्नलों की बीवियां जो रोडों पे घूम रही होती है, पुलिस अहलकार को गाड़ी के जद में लाकर के जख्मी करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीके तहफ्फुज़े पाकिस्तान के ज़ेर तमाम 14 अगस्त 1947 से लेकर आज तक इस कौम को 77वीं आज़ादी मुबारक हो, जो हकीकतन में आज़ाद तो नहीं है। मेरे अजीज साथियों, स्टेज पे बैठे हुए पश्तूनख्वा मिलियन पार्टी के सियासी अकाबरीन, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सियासी अकाबरीन, वहदतुल मुस्लिमीन के सियासी अकाबरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई एग्जीक्यूटिव, ज़िले सूबाई कैबिनेट मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम। अजीज साथियों, 77 साल से हम हकीकी आज़ादी की बात, आज तक हमें नहीं पता चला कि हकीकी आज़ादी क्या है, मुल्क में खुद मुख्तारी क्या है। जब तक इंटरनेशनल कुव्वतों की मुदाखलत से आज़ादी ना हो तो वो मुल्क कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता। इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा कि जब हम मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह देते हैं फिर हमारे दिलों से वो खौफ खत्म हो जाती है, हम अमेरिका की गुलामी कभी भी नहीं करेंगे। आज तक पाकिस्तान की इकॉनमी देखें, करबों डॉलर्स हमने सिर्फ एटम बम पे लगाए उनकी सिक्योरिटी पर, वो ये कि हम हिंदुस्तान से लड़ने की जस्तजू रखते हैं जो हम उसके काबिल नहीं है। अगर करना भी चाहे तो हम अमेरिका के गुलाम हैं, हमें ये इख्तियार नहीं कि हम अपने मुल्क और वतन की हिफाजत कर सकें। तो ये हमारा सबसे पहला एजेंडा ये है कि इंटरनेशनल कुव्वतों की मुदाखलत से आज़ादी। उसके बाद मैंने 3-4 पॉइंट्स लिखे, उसके बाद अंदरूनी कुव्वतों की सियासत में मुदाखलत। अब अंदरूनी कुव्वतों की सियासत में मुदाखलत है क्या? जब घर का चौकीदार मालिक बन जाता है तो वो घर आगे कभी भी नहीं जा सकता। जब घर का चौकीदार फैसले करने लगे तो वो घर आगे कभी भी नहीं जा सकता, वो घर कभी बन नहीं सकता। चौकीदार को चौकीदार ही रहना पड़ेगा, घर के मालिक को मालिक रहना पड़ेगा, वो फैसले करेंगे। बदकिस्मती से जब हम चौकीदार को चौकीदारी पे लगाते हैं तो वो नाराज होते हैं, वो हमें गदार कहते हैं और फिर आर्टिकल 6 लगाते हैं कि इमरान खान और कासिम खान सूरी ने मुल्क के साथ गदारी की। ये साइपर आया पाकिस्तान में, हमारी हुकूमत थी, इमरान खान ने लहराया कि मेरे पाकिस्तानियों बाहर ममालिक से पाकिस्तान में मुदाखलत हो रही है, याद है पाकिस्तानी आपको? तो क्या कहा करते थे कि इमरान खान अपनी सियासत चमका रहे चीजों पर। और फिर वो ही वक्त आया कि आज तक इमरान खान जो जेल में साइपर के केस में, कि आपने कौम को हकीकत क्यों बताई, कौम को हकीकत क्यों बताई? कासिम खान सूरी पे आर्टिकल 6 लगाना कि इसने असेंबली में क्यों ये सच कहा। तो
तो जब तक अंदरूनी कोतों की सियासत में मुदाखलत बंद नहीं होगी, ये मुल्क कभी भी आजाद नहीं हो सकता। जितनी भी कुर्बानी हम देंगे, चाहे वो खान शीर की सूरत में हो, चाहे वो बादशाह खान की सूरत में हो, चाहे वो बिजनजो साहब की सूरत में हो, चाहे वो अताउल्ला मेंगल साहब की सूरत में हो, कभी भी ये मुल्क नहीं बन सकता। जब तक हम साथ तमाम सियासी पार्टियां अपनी जाती मुफादात को बलाता करके एक ना हो। लेकिन वो बदकिस्मती से कुछ पार्टियां उनके बगैर हाई नहीं सकते इक्तदार में। आपने देखा इस इलेक्शन में कह रहे थे ना कि तहरीके इंसाफ को टिकट होल्डर यानी टिकट अप्लाई करने के लिए कोई मेंबर नहीं बन सकता, नहीं मिलेगा उसको। हमने पीटीआई को क्रश की, पीटीआई के बाप, पीटीआई को क्रश करना उसके बाप भी नहीं कर सकता, उसके बाप भी ये पीटीआई को क्रश नहीं कर सकता। कि नहीं कि उसने ये बात कि ये बर्गर कप पार्टी है, नीबी डी पार्टी है, तलबा जो है उनके साथ है, एजुकेटेड तलबा है, वो सियासी नहीं है। दिखाया ना हमारी माओ बहनों ने, पाकिस्तान के 77 साल तारीख में हमारे जो वर्कर है उसकी तो हम बात नहीं करते, जो हमारे माओ बहनों पे इन्होंने जो तशद्दुद की है, आज तक एक सनम जावेद को वो नहीं तोड़ सके। वो पाकिस्तान बनाएंगे हमारे लिए, वो इंडिया के साथ लड़ेंगे। जब तुम एक सनम जावेद को नहीं तोड़ सकते, तुम इंडिया का मुकाबला करोगे? जब आप एक कैंसर की मरीज उसका मुकाबला नहीं कर सकते, 80 साल की औरत आज भी जेल में, गुनाह उसकी क्या है? इमरान खान के साथ खड़ा होना। मैं बलूचिस्तान की बात करता हूं, कासिम खान सूरी पर आर्टिकल 6, मलक अब्दुल बारी काकड़ पे 7 से 8 एफआईआर, बारी बड़ेश के 6 से 7 एफआईआर, उनके भतीजों को उठाना, नूर खान खिलजी पे 9 मई का केस, 11 एफआईआर और, हमारे उकला को निशाना बनाना, हमारे स्टूडेंट को बनाना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई को तोड़ ना सके। मैं चुकीदार का हैसियत ही चुकीदार है, वो मालिक क्यों या मालिक के बेटे को खाक वो तोड़ेंगे? तो जब तक हम अंदरूनी सियासी मुदाखलत करने वाले गद्दारों का मुकाबला नहीं करेंगे, ये मुल्क अभी भी नहीं बन सकता। मैंने उस दिन सरीना होटल में शहीद बाज मोहम्मद और उखला के कन्वेंशन में स्पीच की, तो रात को इन साहिबान के फोन आए कि दरबार में हाजिर होना, आपके साथ बात करते हैं। अब ये आजादी आपको है जब आप अपने मुल्क में, अपने वतन पे, अपने धरती पे, अपनी मिट्टी पे आजादी राय नहीं रख सकते, तो क्या मुकाबला करेंगे? क्या ये मुल्क हम बना सकते? आज आपकी अफवाज खुद कहते हैं कि हम अमरीके के मुकाबला नहीं कर सकते। जनरल बाजवा जैसे गद्दार खुद कहते हैं कि हमारे टैंकों पे जंग पड़े हुए, हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे पास 6 दिन का पेट्रोल से बढ़कर कुछ नहीं कि हम इंडिया का मुकाबला करें। इंडिया आपके साथ लड़ना भी नहीं चाहता। वो कहते हैं कि पाकिस्तान खुद अपनी मौत खुद मर रहा है। हर चीज एटम बम नहीं है। जब तक आप कौम को शऊर ना दो, इमरान खान जेल में क्यों है? इख्तदार की लड़ाई तो वो नहीं लड़ रहा, इख्तदार की लड़ाई वो नहीं लड़ रहा। मेरे पख्तून, बलोच, पंजाबी, सिंधियों सुन लो, मेरे पाकिस्तानियों, 77 साल के तारीख में सिर्फ आज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, 1 मिनट के लिए जब आप घर जाए, 1 मिनट सिर्फ ये मेरे बात सोच लो, 77 साल के तारीख में किस पार्टी ने एक सीट छोड़ने के लिए एहतजाज की कि हम छोड़ देते? ये पीटीआई थी जो इन्होंने कहा कि पंजाब की हुकूमत तोड़ दो, कल ही इलेक्शन होगा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तोड़ दो, कल ही इलेक्शन होगा। वही हुआ, इनका यह ख्याल था। इमरान बुजदिल है, इमरान खान ने हुकूमत तोड़ी, चुकीदार ने काम तोड़ने नहीं देंगे। उन्होंने पूरा कोशिश की, हमारे वर्कर्स को उठाए, तशद्दुद की, एमएनएस एमपीएस को उठाए कि आपने इस्तीफा यानी असेंबली तोड़ने में उसकी मदद नहीं कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हुए,
डीजी एसबीआर साहब ने कहा कि जो आयन को नहीं मानता वो पाकिस्तानी नहीं है। हम कहते हैं कि जो आयन को नहीं मानते वो पाकिस्तानी नहीं है। इमरान खान ने असेंबलियां तोड़ी, 3 महीने के अंदर आपको इलेक्शन करवाना था, आपने नहीं करवाए। जनरल आसिम मुनीर साहब आप पे भी आर्टिकल 6 होगा, डीजी एसबीआर साहब आप पे भी होगा, एसआई के चीफ आप पे भी होगा, और जो आपके साथ गद्दार थे उन पे भी आर्टिकल 6 लगनी चाहिए। कोई कहे या ना कहे, हम कहेंगे आर्टिकल 6 इंशाल्लाह हम आपके ऊपर लाएंगे। अगर आप हमें इस चीज पे डराओगे कि हम एक एक को मार देंगे तो हम कहेंगे आपका अंजाम भी बांग्लादेश जैसे होगा, आपका अंजाम बांग्लादेश से भी बदतर होगा। उनको तो इंडिया ने पना दिया, आपको इंडिया भी पना नहीं देगी, नहीं देगी इंडिया आपको पना। आज आपके बदकिस्मती से कई जर्नलों में ऑस्ट्रेलिया में कनाडा में अमेरिका में उनके दरवाजे बंद है, कहते ये तशद्दुद करवाने वाले लोग हैं, ये तखरीब कार करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान को लूटने वाले लोग ये है। तो जब तक ये मुल्क में होगा सवाल पैदा नहीं होता कि ये मुल्क आजाद है। आयन की हुक्मरानी इंसान इंसानी हकूक की बहाले, आयन की हुक्मरानी ये है जब आवाम जिसको वोट दे वो इसी का ताकत होगा, लेकिन वो हम मानते नहीं। पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हैं, पार्लियामेंट हम मानते ही नहीं है। 77 साल के तारीख में जितने जर्नलों ने पार्लियामेंट पे हमला किया और पार्लियामेंट को यरगमाल बनाया, आज तक किस जर्नल पे आर्टिकल 6 लगाया? किसी पे भी आर्टिकल 6 नहीं लगाया। ये आईन जर्नलों के लिए है नहीं, ये अफवाज के लिए है नहीं, ये मेरे और आपके लिए है, ये पाकिस्तान के गरीब तबके के लिए आईन बनाया गया है। कानून की हुक्मरानी, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, कानून खास सबके लिए बराबर है, कानून सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए। कानून ये जर्नलों की बीवियां जो रोडों पे घूम रही होती है पुलिस अहलकार को गाड़ी के जद में लाकर के जख्मी करते हैं, आप देख रहे हैं ना पेशावर में हुआ, पंजाब में हुआ। उस कर्नल की बीवी को किसी ने कहा कि आप कानून को क्यों हुक्मरान कानून को क्यों नहीं मानते? ये एक ही तबका है जो कानून को नहीं मानता। आयन के खिलाफ यूजियों पर आर्टिकल 6 इन जर्नलों पे लगाना चाहिए ना, एक ही जर्नल को आप लटकाओ, 5 सीधों मैदान चौक बाचा खान चौक पे लटकाओ, फिर देखता हूं किस में हिम्मत होगी कि वो आइंदा पार्लियामेंट के बालादस्ती नहीं मानेंगे। एक जर्नल को आप 5 सीधों, फिर पता चल जाएगा कि ये फौज आयन के नीचे आएंगे या नहीं, लेकिन नहीं है कोई पूछने वाला। हक हुक्मरानी सिर्फ आवाम और आवाम के नुमाइंदों के वसाइल पर अख्तियार, बलूचिस्तान की बात करता हूं हमारे वसाइल पे हमारे अख्तियार नहीं है, नहीं है हमारे वसाइल पे हमारे अख्तियार। तहरीक इंसाफ जब आई 3.5 साल में उन्होंने ये किया, कोविड के बावजूद जो कोरोना ने हमें डिस्टर्ब किया हमारी गवर्नमेंट को, उस वक्त याद है मैं यूथ विंग का प्रेसिडेंट था, जब मैंने खान साहब को कहा कि क्वेटा टू कराची जो रोड है इस पे जितने हमारे माए बहने नौजवान लोग शहीद हुए वो हम दहशतगर्दी में नहीं हुए हैं, तो सबसे पहले खान साहब ने कहा क्वेटा टू कराची, क्वेटा टू चमन, क्वेटा टू जॉब, ये रोड उन्होंने पेमेंट भी दी और काम भी शुरू करवाया। लेकिन मुख्तदर कुवतों को यह पसंद नहीं थी क्योंकि उनका कोटा उसमें नहीं था, उसके पैसे उसमें नहीं थे। हमने कोशिश की कि बलूचिस्तान क्वेटा शहर में गैस का इश्यू था, हमने अरबों रुपए की फंडिंग कासिम खान सूरी की काविश से क्वेटा शहर के लिए गैस का मसाला खत्म करना था, फिर भी रुकावट यही केंट था और कोई नहीं, कि सबसे पहले केंट को गैस दो फिर जो कोई जान ले जाना ले जाओ, यही रिकावट थी। पानी का मसला था क्वेटा शहर में, पहाड़ के पीछे 7 से 8 ट्यूबवेल्स लगाए,
बारी बड़े साहब उनके साथ थे, जिनू खान थे, चाइना की मदद से, उसमें भी ये लोग करप्शन करने वाले थे। और फिर ब्लेम भी सियासी कोतों पर कि सियासी क्यादत जो ऊंचो, आप पाकिस्तानियों जो आपके जर्नल्स के पैसे जिन्होंने बाहर मुल्क में जमा की है, पाकिस्तान पे जिन्होंने सौदा की है, जिन्होंने जजीरे लिए हैं, जिन्होंने पॉप्स जॉन्स के नाम से पिज्जा शॉप्स बनाए, आप सोच भी नहीं सकते। जिस दिन आपको इन जनरलों के पैसों का पता चले, इनके करप्शन का पता चलेंगे, आपको हम सियासी वर्कर फरिश्ते नजर आएंगे। जब भी गुमशुदगी है बलूचिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, बलोच जो अपने काज के लिए आवाज उठाते आप उठा लेते हैं। डॉक्टर अल्लाह नजर की बात आप करते हैं, ये तो डॉक्टर था, ये तो पढ़ने वाला था, आपने इसको बागी बनाया। ये मंजूर पश्तीन, ये तो स्टूडेंट था, ये तो पढ़ने वाला था, आपने इसको बागी बनाया। मेरे वजीरिस्तान के ऐसे घर नहीं है जिसे हमने जनाजे नहीं उठाए, मेरे सुबह से ऐसे घर नहीं है जिसे मैंने जनाजे नहीं उठाए, मेरे बलोचिस्तान के पश्तून बलोच के इलाकों से ऐसे घर नहीं है जिसे मैंने जनाजे उठाए। आप तो वो के कौम बनाने के बजाय अफगानिस्तान में मुदाखलत करते थे। अब अफगानिस्तान को 48 साल जंग में धकेलने वाला सिर्फ पाकिस्तान की फौज और अमेरिका था और कोई नहीं था। उसको लड़ाने वाला, उसके ऊपर पैसे लेना लेने वाला हमारे पाकिस्तान था और कोई नहीं था। लेकिन जब वो आवाज उठाते आप वहां मुदाखलत करते। इमरान खान ये चाहता था कि मैं पाकिस्तानियों, हम अफगानिस्तान में मुदाखलत नहीं करेंगे, हम अफगानिस्तान में अमन की बात करेंगे। अगर अफगानिस्तान में अमन आएगा तो ये पूरी धरती, पूरे खित्ते में अमन आएगा। वही हुआ, हमारी हुकूमत में ये मसला हुआ। हम फलस्तीन की भी बात करते हैं, हम कश्मीर की भी बात करते हैं, हम इराक की भी बात करते हैं। सुन लिया आपने फलस्तीनियों के माओ बहनों की पुकार कि एक दिन के लिए इमरान खान को जेल से छोड़ दो, फिर पता चल जाएगा इसराइल को जवाब देने वाला कौन है। एक दिन के लिए इमरान खान को छोड़ो। हमारी सियासत, हमारी पार्टी की सियासत इख्तदार बिल्कुल नहीं है। आज ये सारे सियासी पार्टियों को बताना चाहता हूं, हमारी सियासत इख्तदार नहीं है, हमारी सियासत आजाद मुमलिकत पाकिस्तान बनाना है, खुद मुख्तार बनाना है। तलबा, डॉक्टर, जुकला और इसमें कबीर अफगान खड़े हो गए, मेरे ख्याल में टाइम पूरा हुआ, इसमें सबसे अहम किरदार जो है वो जजेस का है। मैं जस्टिस आशम खाकर को सलाम पेश करता हूं, बलूचिस्तान के अपने जजेस को सलाम पेश करता हूं कि वो किसी के ब्लैकमेलिंग में नहीं आए। एफआईआर होती है, एफआईआर ये है कि मेट्रोपॉलिटन से निकल करके प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करना होता है, लेकिन वो एफआईआर कि आपने स्टेट के खिलाफ बात की। ये मुझे इस आजादी पाकिस्तान के आयन ने मुझे ये इख्तियार दी है कि मैं खुल के बात करूं। पाकिस्तान हमारे है, फौज हमारे है, मुल्क हमारी है, चार बंदों की ख्वाहिश पे फौज नहीं चल सकती। ये फौज इस मुल्क की है, इस आवाम की है। अल्लाह आप सबका आमीन होना से